हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन विजन आर्ड, आपका स्वागत है मेरे टैरट चैनल पर। मैं हूँ रिचा और आज मैं करने वाली हूँ एक स्पेशल पिक अ कार्ड रीडिंग। इसका जो टॉपिक है वो ये है कि विद इन वन ईयर आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। येस, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ विद इन वन ईयर फ्रॉम नाउ। अब ये जो रीडिंग है ये दिस इज़ फॉर पीपल, किसी के लिए, हर किसी के लिए है, चाहे वो आप सिंगल हो, चाहे आप कमिटेड हो, या चाहे आप किसी को डेट कर रहे हो, या वट एवर, वेदर यू आर सिंगल और यू कमिटेड और यू आर लुकिंग, वट एवर, वट एवर योर स्टेटस, यू वेटिंग फॉर समवन, वट एवर इट इज़। तो आप सभी रीडिंग देख सकते हैं, ये स्पेशल पिक अ कार्ड रीडिंग है और मैं हूँ रिचा, सर्टिफाइड टैरो रीडर, सर्टिफाइड रीकी हीलर, एंड आई हैव अप टू 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई एम अ साइकिक। आई हैव बीन गोइंग थ्रू सुपर नेचुरल साइकिक एक्सपीरियंसेस राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। So it is only recently I decided to take up tarot reading since last 2-3 years. So I would like to give you some helpful readings. अगर मेरी reading की वजह से अगर आपको कोई फैसला लेने में help हो सकती है, आपकी life में खुशियाँ आ सकती हैं, या आप किसी situation के लिए पहले से prepare हो सकते हैं, तो my job is done. I will consider myself successful. Okay? तो आप मुझसे अनडिवाइडेड अटेंशन पर्सनलाइज रीडिंग्स लेने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, और यू कैन मैसेज मी, यू कैन ईमेल मी और आई विल लेट यू नो। और आप वो रीडिंग सिर्फ आपके बारे में होगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियोस, सब कुछ रिजोनेट नहीं कर सकता है, कुछ कर सकता है कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो रीडिंग सिर्फ आपके बारे में होगी। It's about you, about your life, about your past, about your present, about people, everything. आपकी लाइफ में जो सब हो रहा है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उस रीडिंग के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये है हमारे पास स्पेशल रोमांस कार्ड्स, रोमांस एंजल्स रीडिंग बाय डोरीन वर्च्यू। रोमांस एंजल्स कार्ड्स हैं बाय डोरीन वर्च्यू। ये आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं इन तीनों में से। दिस इज कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, ओके, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, ओके। तो आप देख लीजिए, ये है पिंक लिपस्टिक, इफ यू लाइक दिस वन यू कैन सेलेक्ट दिस। ये है येलो काजल बाय मेबेलिन, और ये है लैक्मे आइकॉनिक मस्कारा। जो भी आपको अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप वीडियो पॉज कर सकते हो अगर आप फोकस कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो। मैं शुरुआत करूंगी अब। चलिए, विद इन वन ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। चाहे आप सिंगल हो या आप रिलेशन डेटिंग कर रहे हो, किसी को रिलेशनशिप में हो या किसी का इंतजार कर रहे हो, वट एवर इट इज, आपको अभी पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपकी वन ईयर में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। चलिए, जिन्होंने ये सेलेक्ट किया है पिंक लिपस्टिक, देखते हैं उनके लिए रोमांस एंजल्स क्या प्रेडिक्शन लाए हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन विजन, डिवाइन टाइमिंग सॉरी इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। ओके, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो चलिए, ये जो फर्स्ट पाइल जिन्होंने सेलेक्ट की है, मैं इस कार्ड से स्टार्ट करूंगी। रिलीज योर एक्स। देखिए, अगर आप अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने बहुत वेट किया है, आपने बहुत कोशिशें की हैं, आपने बहुत दर्द देखा है, आप हो सकता है आप बहुत रोते हो, बहुत दुखी रहते हो, अलग अलग रहने की कोशिश करते हो, एंड बेसिकली आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, उसकी वजह से हेडेक है या कुछ भी है, आप खुश नहीं हैं अपनी लाइफ में। आपके जो पार्टनर है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कमिटमेंट्स हैं, जिसकी वजह से वो आपको वो जगह तवज्जो नहीं दे रहे जो उनको देनी चाहिए, वो कह नहीं पा रहे हैं। ये कार्ड आपके लिए है कि आपको आपके एक्स को
रिलीज़ कर देना है, आपको आपकी पास्ट एनर्जी को रिलीज़ कर देना है, आपने आपके एक्स से मूव ऑन करना है, आपने उसका वेट नहीं करना है. अब जो लोग सिंगल हैं या जो कमिटेड हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं था तो मैं कहना चाहूँगी कि आपके पास्ट में आपकी कोई पास्ट हैबिट्स थी या कोई पास्ट ऐसे कोई फ्रेंड्स थे या कोई ऐसा थॉट प्रोसेस था जिससे आपको हर्ट हुआ, जिसने आपको कुछ सक्सेस नहीं दिलाई है, जिससे आपको नुकसान हुआ है, आपको उस पास्ट एनर्जी को छोड़ के नया प्रोग्रेसिव व्यूज, फ्रेश माइंडसेट, ओपन माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट अपनाना है. और ये चीज़ आपके पास्ट को जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, आपके फ्यूचर के दरवाजे कैसे खुलेंगे. तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपके पास्ट को भूल के, पीछे छोड़ के आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये जब आप करेंगे उसके बाद, सॉरी आई हैव कोल्ड, आपकी लाइफ में वर्थ वेटिंग फॉर, जिस पर्सन का, जैसे सोलमेट का, जैसे पार्टनर का आप सपने देखते हैं, वो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा विद इन वन ईयर फ्रॉम नाउ. जिस पार्टनर के आप शुरू से चाहते थे कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले, ऐसा हस्बैंड या ऐसी वाइफ मिले, तो वो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा जब आप अपने पास्ट को भूल जाएंगे और छोड़ देंगे. क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप जब किसी से प्यार करते हैं तो पूरे 100% से प्यार करते हैं, लॉयल रहते हैं, उसको स्पेशल फील कराना आपको आता है, आप इतने कमिटेड हैं कि यू आर अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी मैन और एनी वुमन. तो यूनिवर्स चाहता है कि आपको ऐसा पार्टनर मिले जो लॉयल हो, लविंग हो और आपको क्वीन या किंग की तरह ट्रीट करे. तो ऐसा पार्टनर विद इन वन ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ में आने वाला है. Divine timing is at work in your love life. थोड़ा patience रखिए, जब तक आप खुद को heal कीजिए, खुद को self love, self care अपना ख्याल रखिए, travel कीजिए, अगर आप relocate कर सकते हैं तो relocate कीजिए, अपने network बनाइए या अपनी hobby courses pursue कीजिए, बिजी रहिए, डिस्ट्रैक्ट कीजिए अपना माइंड, और तब आप देखेंगे कि जब आप अपने पास्ट को भूल गए हैं तो कैसे आपकी फ्रेश एनर्जी डेवलप होती है आपके फ्यूचर के लिए, और वो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा. क्योंकि यू नो, टूटने के बाद आप और स्ट्रांग बन जाते हो, पर टूटने के बाद स्ट्रांग बनने के लिए आपका हील होना बहुत ज़रूरी है. तो खुद को हील कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, क्रिएटिव क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कीजिए, लोगों से नेटवर्क कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, यू नो, एनिमल्स के साथ भी, आप अगर आपके पास पेट्स हैं तो उनके पास साथ में आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, नहीं तो एनिमल शेल्टर्स में जा सकते हैं. नेचर में, मुझे ऐसा बहुत फील हो रहा है, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, सी साइड पर टाइम स्पेंड कीजिए, पानी के आसपास टाइम स्पेंड कीजिए, पानी पीजिए, बहुत फ्लूइड्स लीजिए, हो सकता है आप पानी कम पीते हो, तो आप ये सब करेंगे, बुक रीडिंग कर सकते हैं सोने से पहले अगर आपको थॉट्स आते हैं, कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ लीजिए मैगजीन में, बुक्स पढ़िए, कुछ भी, कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप कीजिए जो आपके आपके पास्ट को छोड़ के अब आगे बढ़ने में मदद करें. तो बहुत अच्छा कार्ड है वर्थ वेटिंग फॉर. देखिए, इंसान की यही तमन्ना होती है कि जैसा जीवन साथी हम चाहते हैं हमें मिल जाए, और वही आपको मिलने वाला है, और आपको क्या करना है उसके लिए वो भी रोमांस एंजल्स ने आपको बता दिया है. हम चलिए, और क्या चाहिए. आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट की थी. चलिए, दिस वॉज पाइल वन. जिन्होंने पाइल टू सेलेक्ट की है, ये मेबलिन काजल, देखते हैं उनके लिए रोमांस एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं, इनकी वन ईयर में उनकी लाइफ में क्या होने वाला है. लव लाइफ में एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट. एंड चलिए, सेकेंड कार्ड क्या है. कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर. चलिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया है कि आप बहुत टाइम से सिंगल रहे हैं, या कोई आपकी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाई है. कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन को डेट कर रहे हैं बहुत टाइम से और वो पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा है या दे रही है. तो अगर ऐसी सिचुएशन है
तो जिस पर्सन के साथ आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं उनके साथ आपकी जिस पर्सन पर्सन को आप पसंद करते हैं, अगर आपका उनके साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रहा है और अगर आपके बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि सोलमेट कनेक्शन है आपके बीच में, अगर आप सोलमेट्स हैं तो आपकी एंगेजमेंट होने के बहुत पूरे पूरे चांसेस हैं। विद इन 1 ईयर आपकी उनके उनसे एंगेजमेंट हो सकती है। ओके और उन लोगों के लिए जो सिंगल रहे हैं बहुत टाइम से या सिंगल हो आप करेंटली, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके लिए एडवाइस है माय डियर, कि आपको जैसा सोलमेट चाहिए जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है, आपकी एंगेजमेंट विद इन 1 ईयर तो होने ही वाली है ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड रिमेंबर ये जनरल रीडिंग है तो बहुत लोग इस वीडियो को देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। विद इन 1 ईयर आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, वेदर यू आर सिंगल और यू आर डेटिंग, आप किसी रिलेशनशिप में हो या आप सिंगल हो, विद इन 1 ईयर आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, रोका इंगेजमेंट, शादी से रिलेटेड डेवलपमेंट्स आपकी शुरू हो सकती है। चलिए कंग्रेचुलेशंस। और जो लोगों को लगता है कि मतलब यू नो लाइफ पार्टनर जो है विल ड्रॉप आउट ऑफ द स्काई, तो ऐसा नहीं होता है। ये आपके लिए एडवाइस है कि आप प्रेयर्स कीजिए, एफर्मेशंस कीजिए और विजुलाइजेशंस कीजिए अपने सोलमेट को, जैसा सोलमेट आप चाहते हैं उनको इनवाइट करने के लिए अपनी लाइफ में। तो आपने प्रेयर करनी है, एफर्मेशंस आई विल जस्ट टेल यू, पॉजिटिव एफर्मेशंस आप ऐसे कर सकते हैं जो प्रेजेंट टेंस में होती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑथर बनना चाहते हैं तो यू विल से आई एम अ फेमस ऑथर, यू नो आई एम अ फेमस ऑथर, आई एम अ बेस्ट सेलिंग ऑथर, इस तरह से मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इस तरह से जो आप चाहते हैं उसको आपने प्रेजेंट टेंस में कहना है, वो अफर्मेशंस आपने बोलनी है जैसा सोलमेट आप चाहते हैं। आई एम हैप्पीली मैरिड टू अ लॉयल एंड लविंग मैन और आई एम हैप्पीली मैरिड टू अ लॉयल एंड लविंग वुमन, जो भी आप कहना चाहते हैं वो आपने कहना है। ये आपके एफर्मेशंस हैं। और विजुलाइजेशंस, विजुलाइजेशंस में आपने जो आप लाइफ आप देखना चाहते हैं मैरिड लाइफ अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ फ्यूचर में, उसने उसको आपने विजुलाइज करना है। ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको अजीब लग रहा है तो लेट मी टेल यू, दिस ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि जो आप मैनिफेस्ट करते हैं वह आपकी लाइफ में होता है। आप जो सोचते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, जो वो यू नो वो आपकी लाइफ में होता है। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि जैसा पार्टनर आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कीजिए, भगवान से प्रेयर्स कीजिए, आप पॉजिटिव एफर्मेशंस कीजिए, आप विजुलाइज कीजिए वो लाइफ, वो पार्टनर जो आप चाहते हैं। और उसकी तरफ से आई वुड से कि एफर्ट्स भी कीजिए, तो 1 ईयर में आपकी आपको वो पार्टनर मिल जाएगा और आपकी एंगेजमेंट उनके साथ हो जाएगी। चलिए वेरी गुड लक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे बहुत अच्छा लगा एंगेजमेंट कार्ड आया है आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी पाइल 2 पाइल 1 तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके देखते हैं पाइल 3 जिन्होंने सेलेक्ट की है उनके लिए रोमांस एंजल्स क्या गाइडेंस लाने वाले हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। ओके चलिए पहले इस कार्ड से शुरू करते हैं। ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर किसी ऐसी रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपका पार्टनर आपको वो प्यार या वो टाइम, वो अटेंशन, वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं, तो ये टाइम है कि आप अगर आप किसी से मिल रहे हैं मैरिज के लिए, या अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, आप डेटिंग के लिए, रिलेशनशिप के लिए किसी से मिलना चाह रहे हैं, तो ये कार्ड आपको कहना चाह रहा है कि रेड फ्लैग्स पे, यानी कि आप हर चीज़ को नोटिस कीजिए, देखिए कि आप छोटी छोटी बातों को नोटिस कीजिए कि उस पर्सन का बिहेवियर कैसा है। जैसे कहते हैं ना कि अपने से छोटे दर्जों के लोगों के साथ वो कैसे बिहेव करता है या करती है, उसकी छोटी छोटी बातें नोटिस कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पीपल पुट देयर बेस्ट फेस फॉरवर्ड ड्यूरिंग द कोर्टिंग कोर्टशिप स्टेज।
ओके okay? तो ये कार्ड आपको कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी सिचुएशन है, चाहे आप डेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, नई रिलेशनशिप है, कुछ भी है, तो आप उनके ऐसी चीज बातों को पे ध्यान दीजिए, उनकी कमियों को, उनकी बुरी आदतों को इग्नोर मत कीजिए. देखिए कि जब आपके साथ होते हैं उतना वो किसी और को भी देखते हैं, कि किसी और को सेम अटेंशन देते हैं, या वो आपको क्या वो पंक्चुअल है, क्या वो आपको आपके प्रति लॉयल है, क्या वो आपकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, क्या वो आपको शादी के बाद आपका करियर परस्यू करने देंगे. कुछ भी आपकी ऐसी इंडिविजुअलिटी, आपकी कुछ ऐसी प्रायोरिटीज हैं, ध्यान दीजिए कि क्या वो उनको ध्यान में रखेंगे. तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि इग्नोर मत कीजिए, हर बात पे ध्यान दीजिए. देखते हैं ये कार्ड क्या है. सोलमेट. यस, दिस इज योर सोलमेट. तो सी व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड. ये कार्ड आपको कह रहा है कि कुछ केसेस में मुझे ये कार्ड जो आया है ऐसा भी फील हो रहा है कि अगर आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में हैं, किसी का आप वेट कर रहे हैं, वो वर्कआउट नहीं कर रही है सिचुएशन, बहुत टाइम से आपने वेट किया, तो उस पर्सन को या तो आने में टाइम लगेगा. वो पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, वो उस पर्सन को आने में टाइम लगेगा. वो अपनी किसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पेंडिंग ड्यूटीज हैं जिनको वो निभा रहे हैं. अभी मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक पर्सन है जिनके साथ उन्होंने शेयर किए हैं, या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसने आप दोनों के बीच में कुछ यू नो सिचुएशन, टफ सिचुएशन, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट की हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम में, विद इन फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, हो सकता है कि वो जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए और वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए. तो इन एनी केस मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे आप सिंगल हो या कमिटेड हो, या आप अपने एक्स का वेट कर रहे हो, आपको विद इन वन ईयर आपका सोलमेट मिलने वाला है. Within one year आपको आपका soulmate मिलने वाला है, जिस जैसा आप हमेशा चाहते थे. और वो आपको इतना प्यार करेगा, आपको इतना आपका ख्याल रखेगा, लॉयल होगा, उसके लिए आप ही सब कुछ होगे. चलिए, ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, सेशन अच्छा लगा, पिक अ कार्ड रीडिंग का, कि वन ईयर में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपके लव्ड वंस, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी अगर ऐसा है जिसको ये रीडिंग देखने की ज़रूरत है, अगर उनका दिन बन सकता है, तो प्लीज़ उनके साथ रीडिंग शेयर कीजिए और उनका दिन बना दीजिए. You can contact me for personalized readings. Description box में सारे details हैं. Thank you so much. Love and light. God bless you.